जो आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम यानी जो हमारा व्याकरण है उससे है समाचार लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो समाचार पत्रकारिता का अर्थ ही होता है कि कोई भी घटना घटित हो विश्वभर में उसके बारे में जानकारी लोगों के सामने प्रस्तुत करना। तो विश्वभर की जानकारी लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही क्या है, समाचार कहलाता है। समाचार है अंग्रेजी भाषा के न्यूज़ शब्द का पर्याय है। न्यूज़ शब्द चारों दिशाओं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के नामों का संक्षिप्त रूप है। एन से है नॉर्थ, ई से है ईस्ट, डब्ल्यू से है वेस्ट और एस से है साउथ। ठीक है, तो न्यूज़ शब्द चारों दिशाओं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के नामों का संक्षिप्त रूप है, अर्थात चारों दिशाओं की खबरें समाचारों में शामिल होती हैं। चारों दिशाओं की खबरें क्या हैं, समाचार में शामिल होती हैं। तो देश दुनिया में जो भी घटित घटनाएं होती हैं उनके बारे में व्यक्ति जानने को उत्सुक रहता है। ठीक है, और उसकी जानकारी क्या है, हमें समाचार के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इसलिए समाचार क्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। समाचार की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि समाचार किसी भी ताज़ा घटना या समस्या की रिपोर्ट है, कि समाचार किसी भी ताज़ा घटना या समस्या की रिपोर्ट है जिससे अधिक से अधिक लोग प्रभावित हों और जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। समाचार किसी भी ताज़ा घटना या समस्या की रिपोर्ट है जिससे अधिक लोग प्रभावित हों और जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। ये समाचार की परिभाषा है, इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं वो है वैसे कि वैसे ही लिखनी रहती है, हमें अपने शब्दों को नहीं बिखेरना रहता। तो इस तरह से क्या है, आप क्या है, ये समाचार की परिभाषा। फिर समाचार लेखन की शैली, तो समाचार हमेशा सूचनात्मक व तथ्यात्मक होते हैं, इसलिए और इनका सीधा संबंध जनता से होता है, इसलिए इसकी प्रस्तुति का ढंग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फिर से बता रही हूँ, समाचार लेखन एक कला है। ठीक है, क्योंकि समाचार हमेशा सूचनात्मक और तथ्यात्मक होते हैं और इनका सीधा संबंध जनता से होता है, इसलिए इनकी प्रस्तुति बहुत महत्वपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। दूसरा है समाचार, जो कि है प्रामाणिक होने चाहिए और विश्वसनीय होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊटपटांग खबरें वो भी समाचार बन जा रही हैं जिनकी के कोई प्रमाण नहीं है। तो समाचार प्रमाणिक होने चाहिए और विश्वसनीय होने चाहिए। इसलिए
समाचारों को वर्तमान समय में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और समाचार तीसरा है, समाचार बहुत विविधतापूर्ण होते हैं, ठीक है, तो उनकी है एक रूपता लाने का कार्य भी किया जाना चाहिए, ठीक है, उनमें एक रूपता लाने का कार्य भी किया जाना चाहिए। मैं फिर से बता रही हूँ, समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है क्योंकि ये सूचनात्मक यानी सूचना देते हैं, तथ्यात्मक यानी कि आपके सामने फैक्ट या तथ्यों को प्रकट करते हैं, तो ये सूचनात्मक तथा तथ्यात्मक होते हैं। इसमें है अपने मन की बातों को नहीं उछेड़ा जाता है, ठीक है। दूसरा है समाचार प्रमाणिक तथा विश्वसनीय होने चाहिए, जिसमें कि क्या है, क्योंकि अगर इसमें है समाचारों में विश्वसनीयता नहीं होगी तो लोगों को क्या है ये प्रभावित नहीं कर पाएंगे। समाचारों का क्षेत्र अत्यंत विविधतापूर्ण होता है, इसलिए इसमें एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसीलिए समाचार लेखन की एक विशेष शैली है। इस शैली को क्या कहते हैं, विलोम स्तूपी शैली या उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। समाचार लेखन की जो शैली है विलोम स्तूपी शैली या उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। उल्टा पिरामिड शैली, पिरामिड आपने देखा है ना, ठीक है, तो उसे है पिरामिड है, तिकोना होता है, ऊपर का भाग क्या होता है चौड़ा होता है, नीचे क्या है कम। पिरामिड में ऊपर का भाग क्या होता है तिकोना होता है, नीचे का भाग चौड़ा, परंतु ये उल्टा पिरामिड शैली है तो उसमें ऊपर का भाग चौड़ा होगा और नीचे का भाग क्या है कम होगा। इसे क्या कहते हैं, उल्टा पिरामिड शैली। इससे पहले जितने भी सृजनात्मक लेखन हैं उनकी शैली क्या होती है, ऊर्ध स्तूपी शैली कहलाती है। शैली क्या होती है, ऊर्ध स्तूपी शैली कहलाती है, जिसमें है महत्वपूर्ण कारक कौन थे, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और अंत में सबसे बाद में क्या है, है कि क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर पहले ही आपको सब कुछ बता दिया जाए तो आप कभी भी क्या है वो साहित्य व रचना को नहीं पाएंगे। कि इसकी शैली क्या होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है, जबकि अन्य साहित्यिक सृजनात्मक लेखन यानी कहानी उपन्यास आदि की शैली ऊर्ध स्तूपी शैली होती है, जिसमें है सबसे पहले है आरंभ किया जाता है कि कौन थे, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, फिर अंत में क्या है क्या हुआ सबसे अंत में बताया जाता है। परंतु यहाँ समाचार लेखन में सबसे पहले है सबसे महत्वपूर्ण बात आपको कम से कम शब्दों में बताई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे कम शब्दों में बताई जाती है, इसे इंट्रो मुखड़ा या लीड कहते हैं। इसे इंट्रो मुखड़ा या लीड कहते हैं, जिसमें उससे कम महत्वपूर्ण बात और पूरे समाचार का विस्तार बॉडी या कलेवर
में बताया जाता है। अंत में समापन या संक्षेपण होता है समाचार। इंट्रो बॉडी या मुखड़ा या लीड, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। इसमें आपको तीन सवालों का जवाब दिया जाता है, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। इसकी अधिकतम शब्द सीमा 30 से 35 शब्द होती है। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, इसकी अधिकतम शब्द सीमा 30 से 35 शब्द होती है। समझ आ गया ना। फिर है बॉडी व कलेवर। समाचार को विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना बॉडी कहलाता है। समाचार को विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना बॉडी या कलेवर कहलाता है। फिर समापन व संक्षेपण। अंत में घटना का सारांश, सार व सबसे कम महत्वपूर्ण बात समापन या संक्षेपण कहलाती है। अंत में घटना या समाचार का सारांश या सार या संक्षेपण या संक्षेप में उसे बताना समापन या संक्षेपण कहलाता है। उदाहरण आप देखिए कि आमुक का उदाहरण है, यानी इंट्रो मुखड़ा या लीड का उदाहरण है कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल से पहले दिन बैंकिंग और परिवहन सेवाएं ठप। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग और परिवहन सेवाएं ठप। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रो मुखड़ा या लीड, यानी आपको सबसे पहले पता चल गया कि क्या है, ये काम हुआ है, ठीक है, कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल से आपको पता चल गया कि क्या है, परिवहन सेवाएं ठप हो गई। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब क्या है, आपको बाद में बॉडी में बताया जाता है, परंतु कम से कम शब्दों द्वारा आपने क्या है, इस समाचार को, इसे क्या है, आपने है समझ लिया। जैसे आपको ये बताया जाए, एक और उदाहरण दे रही हूँ कि अमेरिकी महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अमेरिकी महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, ठीक है। तो ये आपको पहले ही पता चल गया क्या है समाचार। तो आपको इसमें इसके बारे में पहले ही पता चल गया कम से कम शब्दों में, कि बाकी समाचार आपने हैं बाद में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और उदाहरण है जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर जोर। 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को जोर। समझ में आ गया ना कि इंट्रो मुखड़ा या लीड किसे कहते हैं, कि समाचार की सबसे महत्वपूर्ण खबर को कम से कम शब्दों लोगों तक पहुंचाना क्या होता है, इंट्रो मुखड़ा या लीड कहलाता है। इसमें क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इन 3 प्रश्नों का उत्तर रहता है।
ठीक है, और इनको मुखड़ा पढ़ कर के ही पूरा समाचार क्या है आप जान सकते हैं। जैसे राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग और परिवहन सेवाएं ठप। फिर उसके बाद क्या है, बॉडी या कलेवर होता है। जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल इसमें है, बाद में खबरों का विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया जाता है। ये इंट्रो हो गया। तो इसके बाद है आपका बॉडी में ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठनों की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद से पहले दिन देश भर में बैंकिंग और परिवहन सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी गई हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया। ये आपका क्या हो गया, बॉडी हो गई। पहले ही बता दिया इंट्रो मुखड़ा में कि ये परिवहन बैंकिंग में है, हड़ताल है, परिवहन सेवाएं ठप हो गई हैं। फिर उसके बाद आपको ये बॉडी या कलेवर में ये क्रमबद्ध तरीके से ये बताया गया कि उसे क्या है, सेवाओं को बंद कर दिया गया है, परंतु आवश्यक सेवाओं को क्या है इसके अंतर्गत रखा गया है। फिर अंत में क्या होता है, संक्षेपण, ये संक्षिप्त रूप से बता दिया जाता है कि क्या है इसका क्या है प्रभाव, बैंकिंग सेवा का क्या है प्रभाव, आप पर ठप होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझ में आ गया। फिर समाचार लेखन के ककार, ककार मीन्स होता है कि का से शुरू होने वाले जो 6 सवाल होते हैं उनका जवाब देने का क्या है समाचार लेखन में प्रयास किया जाता है। तो समाचार में 6 सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाता है। समाचार में 6 सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों और कौन। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन, ठीक है। तो इन 6 सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, समाचार लेखन। इसे पत्रकारिता की भाषा में ककार कहते हैं, इसे पत्रकारिता की भाषा में ककार कहते हैं। समझ में आया कि समाचार लेखन अक्सर पूछा जाता है समाचार लेखन की 6 ककार कौन से, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन। ये 6 ककार है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्या, हाँ, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये क्या है समाचार लेखन के ककार है। तो इन 6 सवालों का जवाब हर समाचार में शामिल होता है। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन 6 सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। फिर है शीर्षक, समाचार लेखन में शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, समाचार लेखन में शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत से बच्चे हैं शीर्षक को क्या है इंट्रो व आमुख समझ लेते हैं, परंतु इंट्रो मुखड़ा आमुख अलग है और शीर्षक अलग है, ठीक है। तो इसीलिए जिस घटना के संबंध में समाचार लिखा जा रहा उसमें उसका सांकेतिक उल्लेख करना शीर्षक का काम होता है।
जिस समाचार, ठीक है, जिस घटना पर समाचार लिखा जा रहा हो उसका सांकेतिक उल्लेख करना। जिस घटना पर समाचार लिखा जा रहा हो उसका सांकेतिक उल्लेख करना शीर्षक कहलाता है। और समाचारों में शीर्षक क्या है अवश्य देना चाहिए। तो शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित करे, ठीक है, समाचार का मूल भाव बताए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज भाव से आकर्षित करे, पाठक को मूल भाव बताए। पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक हो। पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक हो। तो इस तरह से अच्छा शीर्षक क्या है, संक्षिप्त सरल सार्थक एवं स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा शीर्षक संक्षिप्त सरल सार्थक तथा स्पष्ट होना चाहिए। शीर्षक कभी भूतकाल में, अतीत में यानी भूतकाल में नहीं लिखा जाना चाहिए। तीसरा है कि शीर्षक में यदि नाम दिया जाना आवश्यक हो तो तभी दिया जाना चाहिए, और वो भी क्या अति महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए। शीर्षक में अगर नाम देना आवश्यक हो तो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए। शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है, और शीर्षक अगर उपयुक्त है तो है, शीर्षक अगर उपयुक्त है तो लोगों की उत्सुकता उसमें बढ़ी रहती है। शीर्षक अगर उपयुक्त है तो लोगों की उत्सुकता उसमें बढ़ी रहती है। जैसे है, उदाहरण है के लिए मैं बता रही हूँ, शीर्षक का उदाहरण भारत, जैसे है शीर्षक है भारत, तो उसमें है आप है भारत ने है कोरोना वायरस पर विजय पाई, ये आपका भारत शीर्षक हो जाएगा। और उसमें है कोरोना संक्रमण का विजय पाई, ये आपका क्या हो जाएगा आमद। फिर ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि क्या है कि ऐसी दवाइयों की खोज में सफलता प्राप्त की है जो जल्द से जल्द इस महामारी को क्या निपटाने का प्रयास करेंगी, ये उसका सफलता, ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर है शोध, तो जैसे शीर्षक महत्वपूर्ण है वैसे क्या है शोध मतलब होता है कहाँ से क्या है ये समाचार प्राप्त होते हैं, इन्हें भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो शीर्षक ये जो स्रोत है ये प्रामाणिक होने चाहिए, ठीक है, यानी कि क्या ऐसे किसी फेक व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इसका कि क्या कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं ये समाचार इकट्ठा करना क्या है नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या है ये है किसी प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा ही समाचार एकत्रित किया जाना चाहिए, उसे स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो उनका उल्लेख समाचारों में होता है स्रोतों के, जैसे
अक्सर आप समाचार के नीचे या समाचार के शीर्षक के बाद लिखा रहता है कि हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा, वो पहला है इसमें हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत संवाददाता, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसका नाम लिखा जाता है व्यक्तिगत संवाददाता, ठीक है, जैसे आप है रवीश कुमार, नाम लिख लीजिए, ये हमारा व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा हमें पता चला। फिर समाचार प्रदत्त एजेंसियाँ, तो दो महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियाँ हैं, UNI यानी यूनिवार्ता, इसके द्वारा क्या है ज़्यादातर विश्व भर के या दुनिया भर के समाचार संगठन इन्हीं से समाचार लेते हैं, तो इनकी विश्वसनीयता लोगों में बनी हुई है। यूनिवार्ता यानी UNI और PTI, ठीक है, तो ये समाचार संगठन क्या है, समाचार के सूत्र हैं, लोगों को सही व प्रामाणिक खबरें लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये UNI और PTI ये समाचार एजेंसियां हैं, जो कि क्या है, जिनके संवाददाता पूरे विश्व भर में फैले रहते हैं और ये समाचारों को एकत्रित करती हैं और अन्य समाचार पत्रों में देती हैं, ये प्रमाणिक है। और तीसरा है क्या है, समाचार ब्यूरो, एक अन्य एजेंसी है कि समाचार ब्यूरो द्वारा, अक्सर आप पढ़ते होंगे, ध्यान दीजिएगा समाचार जब पढ़ेंगे, समाचार ब्यूरो द्वारा, ठीक है। तो जितना महत्व स्रोत का है उतना ही महत्व क्या है, आपका क्या है, शीर्षक का है, जितना ही महत्व क्या स्रोत का, क्योंकि अगर स्रोत प्रमाणिक नहीं होगा तो क्या है, आपकी समाचार की प्रमाणता नहीं होगी। इसलिए समाचार प्रदान करने वाली एजेंसियां हैं, पहले तो ज़्यादातर है समाचार पत्र अपने प्रतिनिधि रखते हैं, अपने संवाददाता रखते हैं, ठीक है, तो हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा या हमारे विशेष संवाददाता द्वारा या व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा, ठीक है, कि व्यक्तिगत रूप से क्या है, इस संवाददाता ने इस खबर को लोगों के सामने पहुँचाया है, ठीक है, समाचार प्रदत्त एजेंसियाँ UNI PTI आदि, समाचार ब्यूरो आदि, ये आपको है इतना समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त क्या है, समाचार है चार प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, प्रादेशिक समाचार और स्थानीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय, ठीक है, चार प्रकार के होते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि समाचार कितने प्रकार के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में है पूरे विश्व भर की खबरें रहती हैं, ठीक है, और इसके बारे में लोग पढ़ते हैं और लोग पूरे विश्व भर के बारे में जानने के लिए हमेशा इन समाचारों के माध्यम से ही तैयार रहते हैं। फिर राष्ट्रीय खबरें, इसमें पूरे देश की खबरें होती हैं, राष्ट्रीय खबरों में एक क्षेत्र विशेष की नहीं, पूरे देश की खबरें होती हैं। प्रादेशिक खबरों में हमारे प्रदेश की ही खबरें रहती हैं, यानी उत्तर प्रदेश की खबरों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। स्थानीय समाचार, इसमें क्या है, आपका जो आपके आसपास घटित होने वाली घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, इसे क्या है, स्थानीय समाचार कहते हैं। समझ में आ गया, यानी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार, इसमें कि क्या है,
पूरे विश्व में होने वाली घटनाओं और खबरों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। फिर है राष्ट्रीय समाचार, जिसमें कि क्या है सभी राष्ट्रीय समाचार, जिसमें कि क्या है आपके देश में होने वाली खबरों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। फिर प्रादेशिक समाचार, इसमें है उत्तर प्रदेश, यानी हमारा प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश या उस राज्य की खबरों के क्या है के बारे में लिखा जाता है। फिर स्थानीय, यानी कि क्या है आसपास के घटित होने वाली खबरों के बारे में जानना है। तो ये चार समाचार के प्रकार होते हैं, ठीक है। मैं आपको है एक समाचार पत्र का उदाहरण देती हूँ। समाचार का जो कि क्या है नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि हड़ताल, देश में हड़ताल के दौरान बवाल, यूनियन नेता की मृत्यु। तो सबसे पहले आपने है देश में हड़ताल, और हड़ताल के दौरान यूनियन नेता की मौत, तो ये आपका क्या हो गया इंट्रो हो गया। हड़ताल आपका क्या शीर्षक हो गया, और है देश में हड़ताल यूनियन नेता की मौत, ये क्या आपका क्या है इंट्रो हो गया। अब आपका क्या बॉडी है, देश भर में ट्रेड यूनियन की दो दिनों की हड़ताल के पहले दिन है बुधवार को लखनऊ में बवाल हो गया, इससे इसकी वजह से विशेष कर्मचारी के एक नेता की मौत हो गई। फिर हड़ताल की वजह से रोडवेज की बसें सड़कों से गायब हैं, इससे लोगों की क्या है भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। ये सब आपका क्या है बॉडी है। फिर है अंत में संक्षेपण है, जो यूनियन नेता की मौत हुई है उसका है यूनियन के अध्यक्ष ने कहा है कि क्या है फिर उसकी मौत पर मुआवजा दिया जाए, और साथ ही साथ क्या है उसे सरकारी, उसके परिवार को क्या सरकारी नौकरी दी जाए। तो ये आपको क्या है एक समाचार का उदाहरण होते हैं। तो उसके साथ साथ समाचार में विशेष पृष्ठ होते हैं, ठीक है। एक है संपादकीय पृष्ठ होता है, जिसमें जिसे कि क्या है समाचार की आत्मा कही जाती है, जिसे कि संपादक क्या है अपने विचार, अपने समाचार के विचार प्रस्तुत करता है, ठीक है। फिर है विचार पृष्ठ, इसे संपादकीय पृष्ठ में ही विचार पृष्ठ, यानी कि उसमें है वैचारिक लेख होते हैं, महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ होती हैं, और जनहित से जुड़े मुद्दों का विशेषज्ञों द्वारा क्या उल्लेख किया जाता है। इसमें है इसे वैचारिक पृष्ठ कहते हैं, संपादकीय पृष्ठ में ही वैचारिक पृष्ठ होता है। इसमें क्या है आपकी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, विचार होते हैं तथा महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, और विभिन्न परिवार से विशेषज्ञों की राय होती है। फिर है व्यापार पृष्ठ, इसमें व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं, ठीक है। फिर है इसके साथ साथ है आपकी फिल्मी पृष्ठ भी होते हैं, जिनमें कि क्या है फिल्मों से जुड़ी खबरें होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश पृष्ठ,
इसमें अखबार क्या है अपने प्रदेश की खबरों को विशेष रूप से बताने का प्रयास करते हैं। फिर स्थानीय प्रेस इसमें है आसपास से आपके ज़िले से जुड़ी खबरें होती हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया, ये इतना आप समझ लीजिए। थोड़ा जो नहीं समझ में आया आप पूछ लीजिए। तो अगला वीडियो में जो है इसके बाद जो मैं समाचार लेखन के बारे में आपको बताऊँगा।